फर्स्ट स्नीक पीक आ चुका है और जो मैं अभी तक बोलते हुए आ रहा हूँ वो बात ही स्नीक पीक वीडियो में सच होते नजर आ रही है, यानी टैबिथा ही पिछले जन्म की मिरांडा है ये वाली बात। क्योंकि इस लीक क्लिप में जिम एंड टैबिथा बातें करते नजर आ रहे हैं और टैबिथा वो सब कुछ जिम को बता रही है जो टैबिथा ने उस रूट सेलर में महसूस किया था जब उसने विक्टर को गले लगाया था, तो वो अभी डिस्कस करने वाले हैं सब। और इस वीडियो में टैबिथा एंड जेड को ऑल पास्ट एंड प्रेजेंट को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठ जाओ, बड़े बड़े खुलासे होंगे अभी। लेकिन बाबा सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सिर्फ आपके प्यार और एक लाइक के भूखे हैं बस, और कोई धन दौलत नहीं चाहिए हमें आपसे। टैबिथा जिम को वो सब एक्सप्लेन कर रही है कैसे वो और जूली उस आंकुई चाइल्ड को फॉलो करते हुए उस रूट सेलर तक पहुंचे और वहां टैबिथा ने विक्टर को देखा जो अपनी मॉम को पहले ही याद कर रहा था। और विक्टर को गले लगाते ही उसे एक सॉलिड विजन आया, यानी टैबिथा को मिरांडा का, जब वो लास्ट फेयरवेल अपने दोनों बच्चों से ले रही थी तब। और टैबिथा ने ये मेंशन भी किया कि मैंने मिरांडा को महसूस किया है जैसे वो वहीं पर ही हो, और मिरांडा ने मुझे वो सब ही दिखाया जब वो फार अवे बॉटल ट्री पर भाग कर गई थी और तब स्माइली मॉन्स्टर ने मिरांडा पर अटैक किया था और मैंने बहुत क्लोजली फील किया वो सब। टैबिथा ने यह भी मेंशन किया कि वो कोई विजन नहीं था, इट जस्ट लुक लाइक कि मिरांडा मुझे ये सब बताना चाह रही हो। बाबा टैबिथा इस प्रोसेस को बोलते हैं पुरानी यादों का वापस आना, जो आप फिलहाल समझ नहीं पा रही हैं। और इस टर्म को कंप्लीट करने वाला है जेड, जो हमने प्रोमो वीडियो में जेड का बॉटल ट्री पर वायलिन बजाना देख रहे हैं और उसके साथ टैबिथा भी खड़ी हुई है। और टैबिथा आंखें चौड़ी करके सडनली कुछ याद करती है, मोस्ट प्रोबेबली ये मोमेंट टैबिथा का पूरा इस फ्रॉम विलेज टाउन की हिस्ट्री को रिकॉल करने का हो सकता है, उसकी लाइफ से रिलेटेड। अगर थ्योरी ये सेट होती है या हुई है कि टैबिथा ही मिरांडा है तब, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि शुरुआत से ही जेड एंड टैबिथा इस टाउन पर मौजूद थे जब उन आंकुई चिल्ड्रन की बलि दी गई, जिसमें एक बच्चा जेड एंड टैबिथा का भी था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टाउन के लोगों को इमोर्टैलिटी प्राप्त करनी थी और वो सब साले मॉन्स्टर क्रिएचर बन गए हैं जो हम देख ही रहे हैं। तो बाबा अभी टैबिथा को पूरी याद नहीं आई है ढंग से, लेकिन यस ये जेड के साथ बॉटल ट्री पर वायलिन वाला मोमेंट पर पूरी याद आने वाली है, क्योंकि टैबिथा इस स्नीक पीक क्लिप में साफ नजर आ रही है कि वो कंफ्यूज है और भला उसे ही मिरांडा का वो विजन क्यों आया। और जस्ट उसने मिरांडा को फील किया तभी जब स्माइली मॉन्स्टर ने मिरांडा पर अटैक किया, तो टैबिथा को भी वो अटैक फील हुआ जिसकी वजह से वो जूली के टच से भी घबरा गई थी। अगर आपको याद हो एपिसोड 9 की एंडिंग में भाई बहुत बुरा वो वाला मोमेंट था वो। इस चीज को और भी अगर लॉजिकली एंड साइंटिफिकली समझें, बाबा सबकी लाइफ में कोई ऐसा डार्क फेज जरूर रहा होगा जब कोई ऐसी घटना आप सभी के साथ घटित हुई होगी और आपको जब भी वो डार्क फेज याद आता होगा आप हर बार उतना ही डरा हुआ महसूस करते होंगे जितना कि उस वक्त उस घटना के टाइम पर एक्चुअल में आपने महसूस किया होगा। सभी की लाइफ में होते हैं ऐसे डार्क फेस, मेरी भी लाइफ में है और मैं समटाइम ऐसा कोई नाइटमेयर आता है तो भाई डरा हुआ महसूस करता हूँ, वैसा ही जैसा उस एक्चुअल टाइम पर हुआ था। बाकी बहुत लोगों के मैंने कमेंट पढ़े टैबिथा एंड जेड के पास्ट कनेक्शन से, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। तो बाबा मैं जब भी बात कर रहा हूँ जेड एंड टैबिथा के बारे में तो तीन अलग अलग टाइम जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक वो स्टार्टिंग वाला जब इस टाउन को कर्स भी नहीं लगा था और टैबिथा एंड जेड उस समय एक कपल की तरह यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे। दूसरा मिरांडा के टाइम वाला, और इसमें ही बहुत लोगों का कन्फ्यूज हुआ है। मिरांडा के टाइम पर टैबिथा एज मिरांडा थी जिसका पुनर्जन्म हुआ, तब क्रिस्टोफर भी था और जेड एज क्रिस्टोफर था इस पुनर्जन्म में, और इनको दोबारा इस टाउन पर ले लाकर फंसाने का यही काम था कि ये आंकुई को आजाद करें और इस टाउन के कर्ज को खत्म कर दें। लेकिन तब वो फेल हो गए थे और उस समय मिरांडा का बच्चा विक्टर है और हेनरी उसका हस्बैंड है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, जहां जेड है एंड टैबिथा इस टैबिथा ही है, और इस समय टैबिथा का पति जिम है। और यस मोस्ट प्रोबेबली मिरांडा के मरने के बाद ही टैबिथा का जन्म हुआ होगा, क्योंकि विक्टर और टैबिथा की एज सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमको। लेकिन एपिसोड 10 में जो टैबिथा एंड जेड को याद आने वाला है वो सिर्फ मिरांडा तक ही नहीं होगा, वो स्टार्टिंग तक का होने वाला है जहां एक्सट्रीम पास्ट में एक्चुअल में जेड एंड टैबिथा एज कपल रह रहे थे तब का वाला मोमेंट। और क्योंकि सुनने में ये आया है कि जिम एपिसोड 10 में मरने वाला है, तो इस मोमेंट के बाद मोस्ट प्रोबेबली जेड एंड टैबिथा अपने स्टार्टिंग का जो रिलेशन था हस्बैंड एंड वाइफ का वो फॉलो करते नजर आ सकते हैं आगे, हमें मतलब एक साथ रहते नजर आ सकते हैं। एंड बाबा मैं आपको बता दूं यस ये बस थ्योरी ही है,
अगर ऐसा मिल जाता है एपिसोड 10 में तो भाई मजा ही आ जाएगा। बाकी देखते हैं एपिसोड 10 में क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को अब कन्फ्यूजन हुई होगी इस टेविथा मिरांडा को लेकर और जेट को लेकर, इनके पास्ट कनेक्शन को लेकर, क्योंकि तीन टाइम जोन के पास्ट को मैंने हमेशा मेंशन से नहीं करता। तो अभी तक मैं मानता हूं कि सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम देखकर लग रहा है फ्रॉम के मेकर बॉलीवुड से काफी इंस्पायर लग रहे हैं बाबा। कहीं इस बंदे ने जानी दुश्मन तो नहीं देख ली और वहां वसुंधरा का करेक्टर से इंस्पायर होकर उसने टैबिथा का करेक्टर बना दिया हो। देखते हैं एपिसोड 10 हमारी इन सारी थ्योरीज की कितनी लाज रखता है। पर इतना तो है 50% थ्योरीज में सच होने वाली है डेफिनेटली। चलो देखते हैं क्या होगा वो। अच्छा एक क्वेरी और है, किस किस को लगता है कि वो वन नाइट ब्लड ड्रिंक कर जेड हो सकता है? भाई मेरा शक वहीं जा रहा है। फिलहाल मैंने बहुत बार उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करी जेड के साथ, पर कोई वैलिड लॉजिक नहीं मिला मुझे अभी तक। पर मैं तुक्का मार रहा हूँ कि शायद वन नाइट ब्लड ड्रिंक कर वो जेड ही हो, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, एक्सट्रीम स्टार्टिंग वाला। देखते हैं बाबा, क्योंकि मेकर ने उसे इंट्रोड्यूस तो करा लेकिन अभी भूल चुका है कि वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो वन नाइट ब्लड ड्रिंक कर। तो तुम बताओ तुम्हारे पास कुछ कहना है या फिर तुम्हारा क्या कहना है इस वन नाइट ब्लड ड्रिंकर को लेकर, और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड तुम्हारे पास हो तो नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और भी क्या क्वेरी हैं आपके पास जरूर बता के जाना, उस पर भी बात कर लेंगे। अभी स्नीक पीक क्लिप ये पहली आई है, अभी शायद एक दो और आने वाली है, उस पर भी बात कर लेंगे फटाफट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।